वीरप्पन अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा। जो भी काम। नमस्कार, 8 दिसंबर को G5 पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसका नाम है कूसे मानी वीरप्पन। इसमें वीरप्पन के बारे में सब कुछ दिखाया गया है, सब कुछ बताया गया है। वीरप्पन 18 जनवरी 1952 में पैदा हुए थे और 18 अक्टूबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो एंट्री है ना, उसी के बारे में इसमें आपको दिखाया जाएगा। वैसे भी ये G5 पर आ रही है शुरुआत में, 2023 की शुरुआत में इनके ऊपर आधारित नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी द हंट फॉर वीरप्पन। तो ये वीरप्पन के बारे में है, तो जो दिखाया गया वो हम देख लेते हैं। फिर 8 दिसंबर को G5 पे पूरे देख लेंगे, जो वेब सीरीज है वो पूरी देख लेंगे हम लोग। हर रोज नई नई कहानियां लिखते थे, उनके बारे में ये सब लिखने पर आखिर कौन सवाल उठाएगा? वीरप्पन उठाएंगे? नहीं, उनको वीरप्पन के बारे में लिखने की पूरी छूट। जंगल दिखाए गए आंध्र प्रदेश, उसका अस्तित्व ही अपने आप में एक तरह का रहस्य है। और फिर वहाँ से अचानक बाबा बाहर निकल आए, कंधे पे बंदूक रखकर ऐसे खड़ा रहता है। आप किसी हत्यारे को वीर नहीं कह सकते, पर वो बहादुर है। अगर आप मेरी बात माने तो हम उसे एक महान व्यक्ति या एक अच्छा नेता बिल्कुल भी नहीं कह सकते। He was a cheat. कुछ लोगों का कहना है कि और साथ ही हाथी के दांतों के स्मगलिंग के भी, वो काटे जा रहा था और स्मगलिंग किए जा रहा था, पर बायोस का क्या? वीरप्पन अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा। जो भी काम उसने किए वो सभी गैर कानूनी थे। वो कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली गैंगस्टर था। वरना क्या वो ऐसे बड़े अफसर का सिर काट के देख सकता था? जिस इंसान ने इतने लोगों की हत्या की वो हीरो नहीं हो सकता। जितनी कहानियां हमें पता है, पुलिस ने जो कुछ भी लिखा है वही कहानियां सबको सुनाई जा रही, लेकिन वीरप्पन के मुंह से भी उसके बारे में सुनना जरूरी। वीरप्पन दिखाइए। அதாவது என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு நீங்க இதை பார்க்கும்படி நான் பேசுறேன். என்ன நடந்தது என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அப்படியே எடுத்து சொல்றேன். தப்பு என்னதான் இல்ல அரசாங்க தப்பா, அதை வந்து புரிச்சியா இருந்து முருகா 8 दिसंबर को जी सिनेमा पे आएगी, G5 पर आएगी। इसमें जो भी दिखाया गया, जो भी बताया गया, वो सिर्फ और सिर्फ वीरप्पन के बारे में बताया गया। कुछ लोगों का कहना है कि वीरप्पन अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। कुछ लोगों के लिए कहना था कि उसने इतनी सारी हत्याएं की थी इसलिए वो बुरा इंसान था, उसे हीरो नहीं माना जा सकता। लोगों का ये भी मानना था कि उसने जो भी काम किया गैर कानूनी किया, क्योंकि उसके ऊपर 52 करोड़ का जुर्माना। वीरप्पन के ऊपर 52 करोड़ का इनाम था और उसने 900 हाथियों के दांत काट के तस्करी की थी, मतलब सप्लाई की थी, बाहर बेचे थे। यह एक जुर्म था उसका। 97 पुलिस अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों को उसने गोली मारी थी, ये उसके रिकॉर्ड में था। तो जब ये G5 पर आएगी ना, तो हमें सब कुछ पता चलेगा वीरप्पन के बारे में, कि वीरप्पन कैसा था, क्या करता था, उसका नेचर कैसा था और उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि तो G5 पर आएगी ना, उसके बारे में जो भी जानकारी आएगी वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी। और वीरप्पन का नाम ही बहुत बड़ा है, तो हमें भी जानने की बहुत उत्सुकता है कि वीरप्पन कौन था, कहाँ का था, उसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में। कुछ लोग तो उसे भगवान मानते थे, कुछ लोग अपना हीरो मानते थे उसे, कुछ लोग अपना आदर्श मानते थे उसे। पर इसमें कई लोगों ने उनके बारे में बताया कि वीरप्पन ने ये किया, वीरप्पन ने ये किया,
वीरप्पन गांव वालों के लिए भगवान थे। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने जो भी किया वो सब गैर कानूनी था। आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कमेंट्री सीरीज का जो ये ट्रेलर था वो आपको कैसा लगा। जानने की उत्सुकता हर इंसान को है कि इतने बड़े गैंगस्टर के बारे में, इतने सख्त गैंगस्टर के बारे में जिसने 97 पुलिस वालों की हत्या की, 900 हाथियों को मारा, चंदन की तस्करी की, चंदन की तस्करी के नाम से तो फेमस थे। डॉक्यूमेंट्री सीरीज का जो ट्रेलर था वो आपको कैसा लगा। और डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो आएगी ना 8 दिसंबर को G5 पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेके बताइए कि ये ट्रेलर कैसा था। वैसे ट्रेलर बहुत अच्छा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ वीरप्पन के बारे में बताया गया। हमें ये जानकारी मिली इस ट्रेलर को देख के कि वीरप्पन ने क्या क्या किया था, कितने पुलिस वालों की हत्या की थी। कोई उनको हीरो बता रहा, कोई उनको खलनायक बता रहा, कोई उनको गैर कानूनी काम करने वाला बता रहा। और अगर उन्होंने ऐसा सब कुछ किया था तो क्यों किया था। 52 करोड़ का जिस इंसान के ऊपर इनाम होगा ना, उसने कितना बड़ा काम किया होगा, ये तो आपको सीरीज में देखने के बाद पता चलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ रिएक्शन वाले दिन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर से जरूर कीजिए कि वीरप्पन की डॉक्यूमेंट्री सीरीज का ये ट्रेलर देख के आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।